हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ कि हम कैसे फ़ोन रिंगटोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आपको रेडमी का फ़ोन दिया गया है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर मोबाइल सेटिंग के आइकन में जाना है। तो मोबाइल सेटिंग के आइकन में चलते हैं और ये गाइस आपको मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया हुआ है, जिसको हम क्या कर लेंगे, पहले ओपन। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं गाइस। तो ये आपका ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो मोबाइल सेटिंग का पेज है आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी आइकन दी गई है। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है साउंड ऑफ वाइब्रेट पे। तो हम साउंड ऑफ वाइब्रेट पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। साउंड ऑफ वाइब्रेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फोन रिंगटोन को कस्टमाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैं फोन रिंगटोन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया है प्राइम इंस्टॉल रिंगटोन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे गाइस। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, फोन रिंगटोन एंड अलार्म रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन रिंगटोन। बट गाइस हमें क्या करना है, फोन रिंगटोन पे को कस्टमाइज़ करनी है। तो हम फोन रिंगटोन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं जैसे ही मैं कस्टमाइज़ का मतलब बताऊँ, जैसे हम अपने मर्जी से सेट या चेंज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले वाला आपका ये था, बट आपको क्या करना है, इसमें कस्टमाइज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ साउंड सुना के दिखाता हूँ, ये साउंड। तो गाइस क्या करनी, मैं यहाँ पे साउंड सुना रहा आपको। तो गाइस क्या करने, मैं यहाँ पर ये वाला साउंड रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना, गाइस कस्टमाइज आपका हो चुका है, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपका जो फोन रिंगटोन आपका कस्टमाइज हो चुका है और यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।